हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा टू। तो कौन सा नंबर है हमारा? ऑप्शन टू सी। नेक्स्ट थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? साइन एंड कॉस में कन्वर्ट। तो सेक यानी वन अपॉन कॉस एंड टेन यानी साइन अपॉन कॉस, पीछे एज इट इज एलसीएम लेंगे और वन प्लस साइन, बाजू में वन माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, नीचे एज इट इज कॉस। अभी वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस, एक एक कॉस कट हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा कॉस। डी है ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ सम। अभी इसमें क्या करेंगे, या तो कॉट को टेन में या तो टेन को कॉट में कन्वर्ट करो, राइट? पर हम करते हैं नीचे ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं और नीचे वाला जो कॉट है उसको हम वन अपॉन टेन स्क्वायर कर देंगे क्योंकि पक्का रेसिप्रोकल टेन होता है। नाउ नीचे एलसीएम आएगा, ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम आएगा टेन स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम की वजह से, वो कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो टेन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया टेन स्क्वायर। क्वेश्चन फाइव, लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर 10 सम है हमारे, वो करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटीज। मेनली यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी है एक रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला और एक स्क्वायर वाले फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला यहाँ पे हमें यूज करने हैं, ठीक है? अभी एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला सम, इसको कन्वर्ट करेंगे हम साइन कॉस में, कॉस है यानी वन अपॉन साइन, कॉट यानी कॉस अपॉन साइन। साइन को एलसीएम ले लेंगे तो वन माइनस साइन, वन माइनस कॉस होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे देंगे, वन माइनस कॉस होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। अभी वन माइनस कॉस का स्क्वायर है तो वो दो ब्रैकेट हम अलग करेंगे, वन माइनस कॉस। अभी नीचे जो है साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस स्क्वायर, बाकी बच को आपका आंसर राइट हैंड साइड आरएचएस मिल गया हमें यहाँ पे स्टूडेंट। चलो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। सेकंड कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो सीधा एलसीएम करेंगे यहाँ पे बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन साइन कॉस, तो सीधा आपको यहाँ पे क्या करना है एलसीएम ले लेना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस इंटू कॉस पर स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ऊपर कॉस स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो साइन स्क्वायर के प्लस वन प्लस टू इंटू साइन ए, नीचे एज इट इज। अभी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ऊपर
एन वन ऑलरेडी एक वन है, तो वन प्लस वन टू हो गया, तो क्या ऊपर हो जाए टू प्लस टू इंटू साइन है, ऊपर से टू कॉमन निकलेगा, क्या बचा वन प्लस साइन, वो नीचे वाले वन प्लस साइन के साथ कट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है हमारा टू अपॉन कॉस के, तो टू एज इट इज एंड कॉस के रेसिप्रोकल सेक के हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। चलो अभी नेक्स्ट सम देखते हैं हम। चलो तो नेक्स्ट सम है हमारा टेन अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन वन माइनस टेन थीटा, तो यहां पे हम कन्वर्ट कर देंगे सबको साइन कॉस में, तो टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन साइन बाई कॉस। चलो हो गया, अभी ऊपर एज इट इज, नीचे एलसीएम लेगा साइन, बट वो टॉप में चला जाएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, वो कॉस तो डिनोमिनेटर में वो तो वैसे ही रहेगा, और जो साइन एलसीएम था उसकी वजह से साइन वन साइन इंटू वन साइन माइनस कॉस, तो ब्रैकेट हो जाएगा साइन माइनस कॉस, और एलसीएम वाला साइन टॉप में चला गया इसकी वजह से साइन स्क्वायर हो गया, बिल्कुल वैसे करेंगे तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन हो जाएगा। ओके अभी यहाँ पे हम कॉस एलसीएम लेंगे तो कॉस माइनस साइन होगा, बट हमें लिखना है साइन माइनस कॉस क्योंकि सेम रहे इसीलिए, तो लिख देता हूँ साइन माइनस कॉस, बट हम कॉस माइनस साइन की जगह साइन माइनस कॉस रख रहे हैं, मतलब हम साइन चेंज कर रहे हैं, तो प्लस का माइनस हो गया। ओके नाउ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में क्या क्या आएगा, एक कॉस एक साइन और एक साइन माइनस कॉस, ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो यहाँ पे ऊपर आइडेंटिटी लगेगी एक क्यूब माइनस बी क्यूब, एक क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, तो क्या है एक क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। नाउ इसके हिसाब से यहाँ पे अभी हम सम करेंगे तो क्या होगा, कौन है यहाँ पे साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब यानी ए, एक क्यूब एन कॉस क्यूब यानी बी क्यूब, तो क्या होगा साइन माइनस कॉस, पहला ब्रैकेट क्या आएगा साइन माइनस कॉस, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी यानी कॉस स्क्वायर एंड प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन इंटू कॉस, नीचे एज इट इज कॉस इंटू साइन ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, ब्रैकेट साइन माइनस कॉस कट हो गया, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी वन हो जाएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे हम करेंगे सेपरेट कर लेते हैं दोनों को, मतलब कि वन के नीचे भी कॉस इंटू साइन और साइन इंटू कॉस के नीचे भी साइन इंटू कॉस इंटू साइन, तो ये तो साइन इंटू कॉस कट हो जाएगा, वो मिल गया हमें वन, और यहाँ पे वन अपॉन कॉस यानी सेक एंड वन अपॉन यानी कॉसेक, तो ये मिल गया हमें यहाँ पे आरएचएस। ओके नाउ यही सम को हम दूसरी दो मेथड से भी कर सकते हैं, यही वाले सम को अगर हम चाहे तो दूसरी दो मेथड से कर सकते हैं, मान लो चलो हम एक और मेथड से करते हैं इसको, तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसे कि यहाँ पे टेन एंड कॉट को हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया,
वैसे या तो सबको 10 में कन्वर्ट करो या तो सबको 40 में कन्वर्ट करो, ये दो मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबको 40 में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला सम कर देते हैं सबको 40 में। तो 10 यानी 1/40 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म है 10 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट, तो 10 यानी 1/cot, नीचे 1 माइनस cot थीटा एज इट इज, प्लस cot थीटा एज इट इज, नीचे 1 माइनस 1/cot। देन नाउ फर्स्ट टर्म तो सेम रहेगा, cot थीटा 1 माइनस cot थीटा, सेकंड में cot LCM आएगा, वो नीचे वाला cot ऊपर चला जाएगा, तो cot इनटू cot, cot स्क्वायर हो जाएगा, फिर होगा cot को 1 यानी cot माइनस 1, बट हमें क्या लिखना है 1 माइनस cot आगे वाले टर्म में, इसलिए तो मैं आगे वाले में 1 माइनस cot है, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ 1 माइनस cot, बट क्या करना पड़ेगा साइन चेंज बीच वाले की, तो ये जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस। नाउ एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में कौन कौन आएगा यहाँ पे, एक तो आएगा कॉट थीटा और दूसरा जो है वो ब्रैकेट है 1 माइनस कॉट थीटा, ऊपर 1 एज इट इज, माइनस एक कॉट मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कॉट क्यूब थीटा। अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी लगी हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 यानी कॉट थीटा, नीचे एज इट इज, तो 1 माइनस कॉट 1 माइनस कॉट ब्रैकेट कंप्लीट निकल जाएगा। अभी ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। ओके, अभी तक हमारा आंसर नहीं मिला, कॉट को दोनों के नीचे दे देते हैं, एलसीएम का रिवर्स स्टेप, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा के नीचे भी कॉट थीटा एंड कॉट थीटा के नीचे भी कॉट थीटा, कॉट कॉट कॉट, तो वो हो गया 1। ओके, अभी कॉसेक यानी 1/sin² एंड कॉट यानी cos/sin, एक एक साइन हो जाएगा कट, 1 प्लस 1/sin × cos। नाउ साइन इंटू कॉस के रेसिप्रोकल तो आपको पता ही है, 1/sin का रेसिप्रोकल कॉसेक एंड 1/cos का रेसिप्रोकल सेक, मिल गया हमारा यहाँ पे। सर आप तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, यहाँ पे कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दे, सारे कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दे, वो वाली मेथड से भी आप ये सब को कर सकते हो।